Hey everyone and once again welcome to WS Cube Tech, myself Umar Tasqeer. Guys, इस particular video में हम लोग बात करने वाले हैं about podcasting SEO, right? यानी कि हम किस तरीके से अपने podcast का, अपने podcast content का search engine optimization कर सकते हैं या SEO कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं SEO की या हम बात करते हैं search engine optimization की, तो आपको समझ में आता होगा कि भाई कुछ specific keywords हैं जिनके ऊपर हमारे podcast को रैंक होना है, राइट? यानी हमारा पॉडकास्ट डिस्कवरेबल होना चाहिए, जहां पर भी सर्चेस हो रही वहां पर हमारा पॉडकास्ट डिस्कवरेबल होना चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि क्या गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में पॉडकास्ट दिख सकता है या नहीं दिख सकता। मतलब पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में हमारा पॉडकास्ट डिस्प्ले हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात यह है कि हाँ, हो सकता है, गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपका जो पॉडकास्ट है वो डिस्प्ले हो सकता है, आपके मल्टीपल एपिसोड्स किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर शो हो सकता है। तो अगर ये चीज हो सकती है, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में अगर पॉडकास्ट दिख सकता है, तो डेफिनेटली उसका एसईओ भी किया जा सकता है, उसके एसईओ के जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो किया जा सकता है पॉडकास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस हिसाब से हम अपने पॉडकास्ट के जो कॉन्टेंट है उसको हम बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप आए और देखेंगे तो मैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट्स, राइट? डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट्स, तो लेट्स सी यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आते हैं या नहीं पॉडकास्ट से लेते। यू कैन सी दीज ऑल आर द पॉडकास्ट सीरीज विच आर रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? और अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर आप देखें मार्केटिंग स्कूल वाला, नील पटेल वाला यहाँ पर पॉडकास्ट आपको दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप देखो, ये एक पॉडकास्ट है, मैं इसको और यहाँ से ओपन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉडकास्ट आपको दिख रहे हैं, विच मीन्स दैट पॉडकास्ट कैन बी विजिबल इनटू सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। और अगर पॉडकास्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिख सकते हैं, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज डूइंग एसईओ फॉर पॉडकास्ट, क्योंकि अगर पॉडकास्ट सर्च इंजन में दिख सकते हैं तो हम उसमें अपने पॉडकास्ट को रैंक कराने के लिए एफर्ट्स भी कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप देखें, जैसे मैं ये डिजिटल प्रतीक शो यहाँ पर ओपन करता हूँ तो आप देखें ये एक एपिसोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा, फाइन। सो ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है? अब क्या जो स्ट्रेटजीज हैं पॉडकास्ट के एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से हम पॉडकास्ट का एसईओ करेंगे, वो हम आगे देखेंगे कुछ वीडियोज में। हम लोग आगे उनके बारे में भी, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पॉडकास्ट को रैंक करा सकते हैं, किस तरीके से सर्चेबल बना सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप देखें, मैं कुछ और चीजें आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे आप देखो हम इसका एसईओ कर सकते हैं पॉडकास्ट लेवल पर। एपिसोड वाइज अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, एपिसोड वाइज आप देखें कि आपका जो एक स्पेसिफिक एपिसोड है वो किन टाइप के, उसमें जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं, वो किस टाइप के फोकस के अराउंड, किस टाइप के कीवर्ड के अराउंड वो पॉडकास्ट है, वो एक्चुअली एपिसोड है, वो स्पेसिफिक एपिसोड है, तो उस टाइप के कीवर्ड्स को यूज करके आप उसका डिस्क्रिप्शन, आप उसका कंटेंट और ये सारी चीजें आप उसकी बना सकते हैं, राइट? एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा, योर ऑडियो कैन बी ट्रांसक्राइब्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप ऑडियो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, राइट, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, दैट थिंग कैन बी एक्चुअली अंडरस्टूड बाई गूगल। ये आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आपको एग्री करना पड़ेगा कि वट एवर यू आर स्पीकिंग, आप कुछ भी, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, जो कुछ भी ऑडियो से आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि गूगल इन चीजों को नहीं समझ सकता है, गूगल इन सारी चीजों को समझ सकता है। गॉट माई पॉइंट? गूगल आपके ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर सकता है, आपके ऑडियो को ट्रांसक्राइब करने का मतलब यहां पर यह है कि आपके ऑडियो को वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और जब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है तो वो उसको समझ भी सकता है। तो ये चीज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें बताती है कि हम भाई ऑडियोज पॉडकास्ट का एक्चुअली एसईओ कर सकती है। जो अपॉर्चुनिटी, ये जो चीज हम लोग देखी, यही हमें बताती है कि हम जो पॉडकास्ट हैं उनका हम एसईओ कर सकते हैं, फाइन। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एपिसोड वाइज आप एसईओ करेंगे, जो भी चीजें होती है, जैसे इसमें भी इंटरनल लिंक होती है, डिस्क्रिप्शन भी आप उसका किस तरीके से लिख रहे हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं वो कीवर्ड्स आप उसमें जो है आप अपने कंटेंट में, आप अपने पॉडकास्ट में उन कीवर्ड्स को बीच बीच में आप बोलेंगे, राइट? उन कीवर्ड्स को आप बीच बीच में मेंशन करेंगे, आप अपने पॉडकास्ट एपिसोड में भी। तो ये सारी चीजें होती हैं जो एसईओ, जब भी आप पॉडकास्ट का एसईओ करेंगे तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी हम लोग एक बार फिर से यहाँ वापस आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर आपको गूगल पॉडकास्ट दिख रहा है, तो गूगल पॉडकास्ट के थ्रू ये सारे पॉडकास्ट जो हैं, ये सारे पॉडकास्ट सर्च इंजन में रैंक कर रहे हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में
रैंक कर रहे हैं। तो कुछ और स्ट्रेटजीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, किस तरीके से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं अपने पॉडकास्ट को रैंक कराने के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।